अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे सर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ताई, ये ईशा ने मुझे अपने घर बुलाया था और मैं हाँ कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता था, लेकिन उसने कहा था उसके मॉम डैड घर पे नहीं है। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता सर। ये ईशा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ए, इतनी बार बोलो रे, तुझसे सवाल किया मैंने, नहीं किया ना, चुप करके बैठ। सर मुझे लगा था हर्ष दिल का बहुत अच्छा लड़का है, और जब उसने मुझे आप दोनों के झगड़े के बारे में बताया ना, मुझे दिल से बुरा लगा था। ये घर नहीं जाना चाह रहा था तो मैंने भी इससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ मिसबिहेव करेगा। मैडम क्या सच में आप दोनों को कोई झगड़ा हुआ था? हाँ सर, लेकिन इस सब से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं समझ रही हूँ कि कितना मुश्किल है इसके लिए वैसे सबके सामने आकर बयान देना। आप लोग मेरी बात का यकीन करो ना सर। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ताई ताई मेरी बात का यकीन कर, देख मैं गधा हूँ, बेवकूफ हूँ, मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन मैं ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। हाँ ये बात झूठ है, ईशा झूठ बोल रही है। सर सर आप उससे पूछो ना सर, फिर से। सर मैं जानती हूँ ये बहुत सीरियस इल्जाम है, मैं समझ रही हूँ सर, बस एक बार मैं अपने भाई से बात कर सकती हूँ। ठीक है जाओ। थैंक यू सर। क्या ये सब? तुझे मैंने बोला था घर से बाहर जाकर अपनी गलती के बारे में सोचा, रात भर घर नहीं आया तू, आई इतना परेशानी सोई नहीं रात भर। सॉरी हाँ, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया तुझे और आई को, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी बात का यकीन कर, मैंने कुछ नहीं किया है। कसम खा भी थी, मेरी कसम खा कि तूने कुछ गलत नहीं किया। अगर तूने कुछ गलत किया ना, मैं तुझे सजा दिलवाऊंगी। कम से कम तसल्ली होगी ना कि अपना जुर्म कबूल कर रहा है, सच बोल रहा है। ताई, ताई, मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ, मैं आई की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ ईशा मुझे अच्छी लगती थी और कम दिनों में अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं 2-3 बार उसके साथ कॉफी पीने भी गया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस वो मेरी अच्छी दोस्त है और मैंने अपनी हदें पार नहीं की है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।